हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में महर्षि वाल्मीकि को श्रेष्ठ गुरु माना गया है। उन्होंने ही रामायण महाकाव्य की रचना की थी। इस खास अवसर पर देश में अलग अलग जगहों पर झांकी निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे और लोगों को लूट कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनका जीवन काफी संघर्षों से भरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं वाल्मीकि जयंती का महत्व। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू थे। वह अपने परिवार के पालन के लिए लोगों को लूटा करते थे। एक बार उन्होंने नारद जी को लूटने का प्रयास किया, तब उनसे नारद जी ने पूछा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। इस पर डाकू ने बताया, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इस पर नारद जी ने कहा, परिवार को पालने के लिए तुम अपराध कर रहे हो। नारद जी की बातों को सुनकर घोर तपस्या करने लगे और राम नाम का जाप करने लगे। महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के मौके पर वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। वाल्मीकि जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और उन्होंने ही पूरी रामायण लिखी थी। यूं तो इस तिथि को सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन खास तौर पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए यह तिथि विशेष मानी जाती है। इस दिन ऋषि वाल्मीकि की पूजा की जाती है, उनके मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है, साथ ही रामायण की चौपाई भी पढ़ी जाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना है।